बिलाड़ा थाना क्षेत्र में 23 दिसंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें एक पड़ोसी युवक और अपने साथी के साथ एक घर में घुसा और चोरी की नियत से उसने एक महिला का मर्डर कर दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विद इन 24 आवर्स दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया और इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में ये भी पाया गया कि ये व्यक्ति जो है अपराधी प्रवृत्ति का है और इसने कोई सरकारी जमीन पे अतिक्रमण भी कर रखा था। इसको लेकर प्रशासन भी जो है वो हरकत में आया और स्थानीय प्रशासन ने उस अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया। इस क्रम में आज पुलिस इमदाद की मदद से उस अतिक्रमण को भी हटाया गया है। इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से संयुक्त मैसेज ये है कि जो अपराधी हैं और अपराधी तत्व हैं जो समाज में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उन पर हर तरह से शिकंजा कसा जाए। जो आईपीसी सीआरपीसी के प्रावधान है उनके तहत उन्हें जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके तहत सजा दी जाएगी। इसके अलावा भी जो समाज में वर्चस्व बनाते हैं और अन्य तरीकों से भी समाज में अपना एक दबदबा बनाते हैं, दबंगई करते हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। और इसमें एक और मैसेज है कि पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अच्छा सर, क्या नाम है अपराधी का और दो थे ना अपराधी, किसके लिए हो रही है? इसमें एक तो अनिल बिश्नोई है और दूसरा साहिल है। अभी जो आज जो कार्रवाई की गई अनिल बिश्नोई के अतिक्रमण के खिलाफ। सर, ये ऐसा क्यों होता है कि जब कोई अपराधी होने के बाद पता लगता है कि उसने कब्जा कर रखा है या सरकारी जमीन पर, क्या पहले से जानकारी नहीं थी प्रशासन को? देखिए, अब इसमें बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं और बहुत सारे तंत्रों से सूचनाएं आती हैं, तो इसमें डेफिनेटली आगे से ये जरूर प्रयास रहेगा कि एक प्रोएक्टिव तरीके से, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री शीटर्स वगैरह को का चिन्हीकरण कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई हो रही है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसमें भले ही वो अब आगे अपराध करें या नहीं करें, वैसे अपराधियों के अवैध अतिक्रमण का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। तो जो सवाल है आपका कि पहले से पता रहता है या नहीं, बिल्कुल आपका सही सवाल है। और इसमें ऐसे आदतन अपराधियों और बड़े अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है और उनके संपत्तियों की भी सूची तैयार की जा रही है। जैसे आप लोगों को पूर्व में पता होगा कि NDPS जो स्मगलर्स हैं उनके भी संपत्ति हमने कुछ फ्रीज किए हैं और लगातार कर रहे हैं, जो 68F NDPS एक्ट के तहत है। तो बिल्कुल ही हम लोग किसी भी अपराधी के अपराध करने का इंतजार नहीं कर रहे, उनके संपत्तियों का चिन्हीकरण चल रहा है और लगातार इन पे कार्रवाई होगी। सर, ये एक मैसेज है और आगे ऐसी कार्रवाइयां लगातार देखने को मिली। अब बिल्कुल जैसा मैंने बताया, साथी पत्रकार हम जैसा पूछ रहे थे कि पहले से हमें क्यों नहीं पता रहता है, तो उसका भी लगातार चिन्हीकरण चल रहा है, तो उनके अपराध करने का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पहले ही ऐसे अपराधियों को हर तरह से शिकंजा कसेंगे। राजपासा में भी निरुद्ध हो रहे हैं, पिट NDPS एक्ट में भी निरुद्ध हो रहे हैं, तो इंतजार हम लोग नहीं करेंगे, हर तरह से प्रिवेंटिव एक्शन लेके कोशिश यही है कि ऐसे अपराधी अपराध ना करें। कितनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट आई है, कुछ कितना नुकसान हुआ है, मतलब कितना डैमेज किया है उस प्रॉपर्टी को? कुछ लाख या करोड़ में एग्जैक्ट अमाउंट हम आपको प्रेस नोट के सामने देंगे। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और Facebook पर देख रहे हो तो ऊपर दिए गए फॉलो पर क्लिक करें। धन्यवाद।